यह है झटपट बन जाने वाली तहरी। ये बहुत ही स्वादिष्ट है और साथ में हरी चटनी। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वेलकम टू बहन का किचन। उसके लिए लेंगे एक टमाटर, प्याज बारीक कटी हुई, गाजर थोड़ी सी लिए हैं और मिर्च। यह अदरक लहसुन कुटा हुआ, बारीक कटी हुई धनिया और मैंने दो आलू काटे हैं। और चावल को भिगा के रख दिया था कुछ इस तरह। अब लेंगे कुकर, उसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल होने के बाद डालेंगे जीरा, जीरा के बाद डालेंगे प्याज जो मैंने काटे थे। ऐसे ब्राउन करेंगे थोड़ा सा। अब इसमें डालेंगे मिर्च और अदरक लहसुन कुटा हुआ। फिर इसे मिक्स करेंगे, थोड़ा सा ब्राउन करना है। अब इसमें डालेंगे आलू, क्योंकि आलू भी फ्राई हो जाएगा साथ में। अब इसमें डालेंगे गाजर थोड़ी सी। फिर इसे ब्राउन करेंगे। देख सकते हैं हो गए अच्छी तरह से ब्राउन। अब डालेंगे सोयाबीन। मैंने इसे पहले गर्म पानी में डाल के और पानी निकाल दिया था अच्छे से। अब डालेंगे इसमें टमाटर। टमाटर डाल के फिर मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे हल्दी थोड़ी सी। लाल मिर्च पिसा हुआ, गरम मसाला पिसा हुआ, नमक स्वाद अनुसार डाल करके मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा पानी। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे कुक करेंगे। अब इसमें डालेंगे चावल जो मैंने भिगो के रखे थे। चावल डालने के बाद मिक्स करेंगे और चावल को भी हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक भूनना है। ऐसे अच्छे से मिक्स करना है, देख सकते हैं। प्रॉपर मिक्स करना है। अब इसमें डालेंगे पानी। पानी अपने हिसाब से डालेंगे, जिस हिसाब से आप डेली घर में राइस बनाते हैं। और लास्ट में डालेंगे हरा धनिया और 2 सीटी लगाएंगे इसमें और सीटियाँ लग गई हैं। अब बना लेंगे चटनी। टमाटर लेंगे, लहसुन, मिर्च, थोड़ा सा अदरक, हरा धनिया, नमक और लास्ट में पानी डाल के इसे पीस लेंगे। हरी चटनी तैयार है, देख सकते हैं। अब कुकर को खोलेंगे, देखिए कितने अच्छे से कुक हो गई है, कितनी सुंदर दिख रही है। अब लेंगे प्लेट, उसमें निकालेंगे। ये बहुत स्वादिष्ट बनी है।
चटनी और आम के अचार के साथ इसे एंजॉय करेंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें प्लीज़।